तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी की एक सेटिंग के बारे में जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। वो उसके अंदर कुछ नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, या फिर उसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में उसके बारे में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे आप इजीली वहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ जाना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, या बोल सकते हैं एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। आपको उसके अंदर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे इसका लेआउट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आपको ऊपर लिंक मिल रहा होगा लुक्स गुड, यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्कैनिंग करेगा और आपके देख रहे हैं लॉक्स को स्कैनिंग कर लिया, अकाउंट्स को स्क्रीन कर लिया, फाइंड माय मोबाइल डिवाइस को कर लिया, ऐप स्क्रीन को कर लिया और अपडेट को A to Z उसने वहां पर चेक कर लिया और आपको बताया कि आपका डिवाइस यहां पर ओके चल रहा है। अगर इसमें से कुछ भी चीज आपकी नहीं चल रही होती या फिर नहीं टिक आ रही है तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसको चेक करके उसको सॉल्यूशन करना है। लाइक अगर मान लो आपने यहां पर करा लॉक स्क्रीन, आपने नहीं लगाया हुआ स्क्रीन लॉक, तो वहां पर एरर आ जाएगा, तो आपको स्क्रीन आउट लगा लेना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर स्क्रीन को लॉक अपना लगा लीजिएगा। उसी के नीचे अगर फिंगरप्रिंट आपने नहीं सेट करा हुआ तो आपको फिंगरप्रिंट लगाने को बोल देगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है बट अगर हो सके तो आप इसको भी लगा लीजिएगा। उसके नीचे आएंगे अकाउंट, अगर आपने कोई अकाउंट लॉगिन नहीं करा हुआ तो अकाउंट सिक्योरिटी का एरर दे देगा, तो आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। नीचे आएंगे फाइंड माई डिवाइस को, अगर आपने एक्टिवेट नहीं करा होगा तो एरर दे देगा, तो आपको अपने मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस को भी एक्टिवेट कर लेना है। ऐसे ही नीचे आएंगे ऐप सिक्योरिटी, अगर अपडेटेड नहीं है लाइक जैसे डिवाइस प्रोटेक्शन मेरा एक्टिवेट अपडेटेड है और स्कैन है तो ये आपको बता देगा। लाइक डिवाइस प्रोटेक्शन मेरा अभी स्कैन करा 27 दिसंबर को, गूगल का प्ले प्रोटेक्ट मेरे पास अवेलेबल है तो वो भी उसने बता दिया। ऐसे ही अगर आपका मोबाइल अपडेट नहीं है तो अपडेट के लिए बता देगा कि आपका डिवाइस में कब की सिक्योरिटी अपडेटेड है और कब का आपका पास प्ले सिस्टम अपडेटेड है गूगल का। ऐसे ही प्राइवेसी में जाएंगे तो प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी सेटिंग होगी ये आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देगा, एक एक चीज़ यहाँ पर बता देगा। प्राइवेसी में कैमरा कौन यूज़ कर रहा है, माइक्रोफोन कौन यूज़ कर रहा है, लोकेशन कौन कौन यूज़ कर रहा है, ये सब चीज़ बता देगा। किसी ने स्पेशल परमिशन ले रखी जैसे ये दिख रहा है 1 accessibility स्पेशल एक्सेस तो ये आपको बता देगा। ऐसे ये पूरे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिला देगा फाइल्स का, ठीक है। ये तो प्राइवेसी अलग सेक्शन में आता बट मेनली यहाँ पर जो सेटिंग है सेटिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की ये पूरी तरह से नई चेंजेस कर दी गई। सिर्फ आप एक सिंगल स्कैन में सारी सेटिंग्स को आप वेरीफाई कर पाएंगे कि ऑलरेडी ये अवेलेबल है या नहीं है या टिक है कि नहीं। और उसके नीचे आपको मिलेगा बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का ऑप्शन कि बायोमेट्रिक पे आपने लगाया है तो उसमें फिंगरप्रिंट लगाया नहीं लगाया, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। उसके नीचे सैमसंग पासवर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। सिक्योर फोल्डर यूज़ करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। प्राइवेट शेयर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इंस्टॉल अननोन ऐप्स को अगर आपने अलाउ करके रखा है तो यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको आप अनटिक और अलाउ और डिसअलाउ भी कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो अदर सिक्योरिटी सेटिंग भी मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगा ये सिक्योरिटी सेटिंग सिम कार्ड से रिलेटेड जो सेटिंग करना हो आपको यहाँ करना है। अगर कार्ड लगा कर रखा है तो वो यहाँ पर आएगा। पासवर्ड को विजिबल करना है तो यहाँ टिक करना है। डिवाइस में कोई एडमिट ऐप लगा कर रखी है तो यहाँ पर करना है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कुछ यहाँ पर चेंजेस होंगे यहाँ पर दिखेंगे। और एजेंट है तो वो आपको दिखेगा, ट्रस्टेड एजेंट। गैलेक्सी सिस्टम की ऐप्स देखना है तो वो आपको यहाँ पर बता देगा कि कौन कौन सी गैलेक्सी सिस्टम की ऐप्स हैं यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, सब यहाँ पर बता देगा। सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेटेड है कि नहीं है वो यहां बता गया। और अगर आपको किसी विंडो को पिन करना है तो आप यहां पर क्लिक करके उसको पिन आउट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इस मेन सेटिंग इसके बारे में बताना चाह रहा था कि यहां पर आप सिंगल सेटिंग में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।